क्लासेस पांडे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कैलेंडर जो होते हैं उसमें पांच चीजें शामिल होती हैं, और वो पांच चीजें क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका पहला जो होता है वो होता है दिन, दूसरा है सप्ताह, तीसरा है माह, चौथा है तिथि और पांचवा है वर्ष। इन पांच चीजों से मिलकर हमारा एक कैलेंडर का निर्माण होता है, और उसमें हम देखते हैं सबसे पहले दिन क्या होता है। तो हमें मालूम है कि दिन जो होता है वह अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे के समय को एक दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 24 घंटे के सम्मिलित रूप को एक दिन कहा जाता है, अर्थात कि सूर्य अपने चक्कर पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरी करती है, उस अवधि को दिन कहा जाता है। और ये जो दिन होता है वह हम 24 घंटे के मानते हैं, जबकि वास्तविक जो दिन होता है वह 23 घंटा 56 मिनट और 48 सेकेंड का होता है। और ये हमें वर्ष में याद करना होगा, क्योंकि वर्ष 4 साल बाद यह एक दिन की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि लीप वर्ष होता है, क्योंकि प्रत्येक दिन में 3 मिनट और 12 घंटे शेष बचते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हर 4 साल बाद जो होता है एक दिन की वृद्धि हो जाती है, और उसी को हम लीप ईयर्स कहेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं दिन। तो दिन जो होते हैं इनकी कुल संख्या जो होती है वो होती है 7। दिनों की कुल संख्या 7 होती है, जिसमें हम 5 ग्रह तथा हमारा जो सौरमंडल का केंद्र है सूर्य, और हमारा जो उपग्रह है चंद्रमा, इन 7 चीजों से मिलकर हमारे 7 दिनों के नाम होते हैं। और ये 7 जो दिन होते हैं उसमें जो 5 ग्रहों के नाम है, वे 5 ग्रह हैं जो हमें नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से दिन होते हैं। तो उसमें होता है रविवार, जिसका अर्थ होता है सूर्य, दूसरा है सोमवार, अर्थात कि जिसका अर्थ होता है चंद्रमा, अगला है मंगलवार जो कि मंगल के नाम पर है, नेक्स्ट है बुधवार जो कि बुध के नाम पर है, अगला है बृहस्पतिवार जो कि बृहस्पत जो ग्रह है उसके नाम पर आता है, और उसके बाद है शुक्रवार जो शुक्र ग्रह के नाम पर है, अगला है शनिवार जो कि शनि ग्रह के नाम पर है। अर्थात कि हमारे यहां से, अर्थात कि हमारे इस पृथ्वी से मंगल, बुध, बृहस्पत, शुक्र और शनि ऐसे 5 ग्रह हैं जो कि नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। इसके अलावा रवि अर्थात कि सूर्य, और जो है सोम अर्थात कि चंद्रमा, इन 7 के नाम से हमारे 7 दिनों के नाम जो है पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सप्ताह। तो सप्ताह जो होता है वो 7 दिनों का योग होता है, जिसमें तो इन 7 दिनों के सम्मिलित रूप को ही सप्ताह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सप्ताह हो जाता है। और बात करते हैं माह की, तो वर्ष का बारहवां भाग या फिर कह सकते हैं 28, 29, 30 या 31 दिनों के योग को माह कहा जाता है। अब बात आती है सप्ताह होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 7 दिनों के योग। ये होता है आपका सप्ताह। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक, अगला जो है पॉइंट हमारा माह। तो माह कह सकते हैं वर्ष का 12वां भाग या 28, 29,
30 या 31 दिनों का योग, इसे हम क्या कहेंगे? माह कहेंगे। अब बात आती है अगली, जो है वो है तिथि। तिथि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी माह का, माह का 28वां, 29वां, 30वां या 31वां भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तिथि कहा जाता है। अर्थात क्या हम कह सकते हैं कि जैसे 28 या 29 का जो दिन होता है वो होता है आपका फरवरी का, अर्थात जो सामान्य वर्ष होता है वहां फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि जो लीप वर्ष होता है वहां फरवरी 29 दिन की होती है। इसके अलावा अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि 30 के होते हैं, जबकि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर और दिसंबर 7 महीने ऐसे होते हैं जो आपके 31 के होते हैं। मतलब कि 4 महीने आपके 30 के होते हैं, जबकि 7 महीने जो होते हैं वो 31 के होते हैं, जबकि फरवरी ऐसा होता है जो सामान्य वर्षों में आपका 28 का होता है, जबकि लीप वर्ष में यह 29 दिन का हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तिथि जो होता है वह किसी भी माह का 28वां, 29वां, 30वां या 31वां भाग होता है। अब बात करते हैं अगला, वो होता है वर्ष। तो शताब्दी वर्ष का, किसी भी शताब्दी का 100वां भाग या फिर 12 महीने के योग को वर्ष कहा जाता है। अर्थात कि 12 महीने का योग, अर्थात कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होते हैं, इनके योगों को ही क्या कहा जाता है? वर्ष कहा जाता है। अर्थात कि हम कह सकते हैं 12 महीने के योग को, 12 महीने का योग जो होता है वो वर्ष होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? वर्ष होता है। वर्ष जो होता है, अब देखते हैं कि महीना, जो माह है, ये कुल 12 माह पाए जाते हैं। तो ये जो 12 महीने होते हैं उसमें आपके देखते हैं कि ये 12 महीने कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो पहला महीना होता है वो होता है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है मार्च, चौथा है अप्रैल, पांचवा है मई, छठवां है जून, सातवां है जुलाई, आठवां है अगस्त, नौवां है नवंबर, सॉरी सितंबर, दसवां है अक्टूबर, 11वां है नवंबर और 10वां है दिसंबर। ये आपके कुल 12 महीने होते। इसमें से हमने बताया कि फरवरी एकमात्र ऐसा महीना है जो कि 28 या 29 दिन के होते हैं, जबकि यहां पर देखते हैं जनवरी जो होता है वो 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, मई 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है और दिसंबर 31 का होता है। इसके अलावा देखेंगे तो अप्रैल जो होता है 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है और नवंबर 30 का होता है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारी जो मुट्ठी है इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो 31 का होता है, जबकि जो दबा हुआ भाग होता है वो हमारा 28, 29 या 30 का होता है। जैसे देखते हैं कि ये उठा हुआ भाग है तो ये क्या है? 31 का है, अर्थात कि जनवरी। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दबा हुआ भाग है तो ये 28 या 29 का हुआ, अर्थात कि फरवरी। तीसरा उठा हुआ भाग, मार्च। चौथा
चौथा दबा हुआ भाग अप्रैल, पांचवा उठा हुआ भाग मई, छठा दबा हुआ भाग जून। अगला जो है, जो अगला है जुलाई जो कि उठा हुआ भाग है, फिर आ जाता है इधर से शुरू करते हैं अगस्त जो कि ये भी उठा हुआ है अर्थात कि 31 का होता है। अगस्त के बाद आता है सितंबर 30 जो दबा हुआ भाग है, अक्टूबर उठा हुआ भाग है, नवंबर दबा हुआ भाग है और दिसंबर उठा हुआ भाग। इस प्रकार से हम अपने मुट्ठी से भी हम यह ज्ञात कर सकते हैं कौन 28 का है, 29 का या 30 का या फिर कौन 31 का होता है। अब बात करते हैं हम वर्ष की। वर्ष जो होते हैं वो दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक वर्ष होता है जिसे सामान्य वर्ष कहा जाता है, जबकि दूसरा होता है उसे लीप वर्ष कहा जाता है। अर्थात अब हम जानते हैं सामान्य वर्ष कौन होते हैं। तो सामान्य वर्ष उन वर्षों को कहा जाता है जिसमें कुल 365 दिन होते हैं। अर्थात कि 365 दिन के वर्ष को सामान्य वर्ष कहा जाता है, जबकि 366 दिन के वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। अब बात आती है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कैसे होते हैं। तो हमने शुरू में ही बताया कि जो हमारा एक दिन होता है हम मानते 24 घंटे हैं, जबकि ये वास्तविक रूप से क्या होता है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड का। अर्थात कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है और इसी को एक दिन कहा जाता है। मतलब कि अगर कहा जाए कि प्रत्येक दिन में 3 मिनट और 12 सेकंड का समय जो होता है वो शेष बचता है। इस प्रकार से अगर देखा जाएगा तो 5 घंटे सॉरी हर वर्ष जो होता है वो 5 घंटे और 56 मिनट का लगभग समय जो होता है वो क्या होता है शेष बचता है। इस प्रकार से 4 वर्ष जाने के बाद एक दिन जो होता है वो बढ़ जाता है, उसी को क्या कहा जाता है लीप वर्ष कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कोई लीप वर्ष है और कोई सामान्य वर्ष। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो होता है वो लीप वर्ष पड़ता है। तो 4 वर्ष बाद जब लीप वर्ष पड़ता है तो क्यों, अब देखते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे कि यही जो है वो लीप वर्ष है। तो हमारे मित्रों ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब हम किसी वर्ष में 4 से भाग देंगे और वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है अर्थात कि शेषफल 0 बचता है अर्थात कुछ भी नहीं आता है तो हमारा क्या हो जाएगा लीप वर्ष होगा। जबकि शेषफल 1, 2 या 3 बचता है तो वो हमारा क्या होगा सामान्य वर्ष कहा जाएगा। जैसे आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो 1946, 1956, 1962, 1968, 1985, 1996, 1994, 2002, 2006, 2008, 2010, 2016। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ष ऐसे हैं जो सामान्य वर्ष हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ष हैं जो कि लीप वर्ष। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का तात्पर्य अगर पूरा करेंगे थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसके अंतिम 2 अक्षरों को डिवाइड करते हैं। अगर अंतिम 2 अक्षर विभाजित हो जाते हैं तो वो भी जो होगा वो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं 4 से भाग देते हैं तो 11 आएगा, तो लेकिन उसके बाद शेष क्या बचेगा 2 बच जाएगा, अर्थात शेष बच रहा है इस कारण क्या हो जाएगा जनरल ईयर हो जाएगा अर्थात कि सामान्य वर्ष हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो 56 है तो 4 से अगर करते हैं तो 4 + 3 = 12 होता है और बचा कितना यहां पर 3 शेष, तो यहां पर 36 हो जाता है और 9 + 4 = 36 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है ये भी हमारा क्या होता है डिवाइड हो जाता है।
यहाँ पर चार एक चार और यहाँ चार चौ सोलह। इस प्रकार से ये क्या हुआ हमारा पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या है हमारा लीप वर्ष हो जाता है। अब देखते हैं 1962 इसका अंतिम दो अक्षर चार एकम चार हुआ, यहाँ दो शेष बचा, 22 गया, चार पंचे 20 अर्थात कि देखते हैं इसमें दो शेष बच जाता है और दो शेष बच गया इस कारण क्या हुआ ये सामान्य वर्ष हो गया। इसी प्रकार 68 में देखते हैं तो यहां चार एकम चार हुआ तो दो शेष बचा 28 हो गया, सात चौ 28 हो गया अर्थात ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है अर्थात कि यहां शेष कुछ भी नहीं बचता है तो यहां क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 85 में देखते हैं तो चार दुनिया 8 हो जाता है, चार एकम 21 84 हो जाता है, एक शेष बच जाता है तो ये क्या हो जाएगा जनरस ईयर हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य वर्षों में देखेंगे तो सामान्य वर्ष और जनरल वर्ष के बारे में हम क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी वर्ष को अगर हम विभाजित करते हैं चार से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होगा और शेष बचता है तो क्या हो जाएगा सामान्य वर्ष। इसी प्रकार से हम देखते हैं यदि कोई शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है तो उसे हम 400 से विभाजित करते हैं और यदि वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह जो होगा शताब्दी लीप वर्ष कहा जाएगा। जैसे देखते हैं 1000, 1200, 1400, 1600, 1800। अब देखते हैं इसमें कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है तो इसे देखते हैं चार से विभाजित होगा 400 से तो 400 से विभाजित करेंगे 200 800 होगा जिसमें 200 क्या होगा बच जाएगा अर्थात कि ये क्या हुआ आपका जनरल लीप वर्ष हुआ। अब देखते हैं ऐसे यहां 1200 से ये पूरा 400 से विभाजित हुआ तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा शताब्दी लीप वर्ष हो जाएगा, ये इसमें भी शेष बचेगा जनरल लीप हो जाएगा, ये 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा इस कारण ये क्या होगा शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे जो होते हैं किसी कैसे पता कर सकते हैं कौन सा लीप वर्ष है या शताब्दी वर्ष। अब आइए देखते हैं कि इससे कैसे हम निकाल सकते तो हम देखते हैं कि कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे किसी भी वर्ष का पहला दिन, किसी भी वर्ष का पहला दिन अर्थात 1 जनवरी अगर सोमवार को पड़ता है, सोमवार को पड़ता है तो उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर जो है वह भी सोमवार को पड़ेगा अर्थात सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी 2001 को पड़ता है सोमवार को तो 31 दिसंबर 2001 जो होगा वो भी क्या होगा सोमवार को पड़ेगा। जबकि यदि यह लीप वर्ष होगा तो उसमें एक दिन की वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2004 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2004 को सोमवार होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना होता है उसमें 28 की जगह 29 हो जाता है, इस कारण ऐसा पाया जाता है कि जो पहला होगा वही अंतिम दिन इसमें नहीं पाया जाता, उसमें एक दिन की वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा यदि हम किसी सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो हम एक दिन की वृद्धि कर सकते। जैसे मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2000
सात को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2008 को बुधवार होगा, बुधवार होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुल 365 दिन है, 365 दिन है, अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अर्थात ये हम देखते हैं कि 365 भागे 7 करते हैं तो यहां पर 7 × 5 = 35, यहां 15 हो गया, 7 × 7 = 14, अर्थात कि 52 सप्ताह हो जाते हैं, जो कि किसी वर्ष में 52 सप्ताह ही होते हैं। जबकि एक यहां पर क्या हुआ, शेष बचा, शेष बचा, तो जो दिन होगा उसमें एक दिन की वृद्धि कर देंगे तो अगला दिन आ जाता है। तो इस प्रकार से कभी भी हम सामान्य वर्ष से लीप वर्ष या सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में प्रवेश करते हैं तो 365 दिन होते हैं, अर्थात 7 दिनों बाद जो होती है फिर से दिनों की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर एक दिन शेष बचेगा। तो हम जानते हैं कि 7 दिनों बाद किसी भी दिन की जो होती है फिर से दिनों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो यहां देख रहे हैं कि ये क्या है, 2007 सामान्य वर्ष है, 2008 जो है वो लीप वर्ष है, तो यहां एक दिन की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2006 को यहां पर सोमवार होगा। अब बात करते हैं, अब देखते हैं कि ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष से हम सामान्य वर्ष में जाएंगे या सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाएंगे, और उस महीने में यदि फरवरी पड़ता है, अर्थात कि जिस पूरे वर्ष के दौरान जिस वर्ष में फरवरी का महीना पड़ता है यदि वह लीप वर्ष है तो उसमें 2 दिन की वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं, जैसे 1 जनवरी 2008 है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, तो ये लीप वर्ष है अर्थात ये सामान्य वर्ष है। अब इन दोनों के बीच फरवरी का महीना पड़ा है और उस फरवरी का महीना पड़ा है जिसमें कि एक दिन की वृद्धि हुई है, अर्थात कि लीप वर्ष वाली फरवरी जिसमें 29 दिन होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बुध की जगह बृहस्पतिवार नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। मतलब कि इस महीने में क्या होती है, फरवरी पड़ती है। अब देखिए इसमें एक और चीज हो जाती है, जैसे यह 1 जनवरी की जो बात कर रहे हैं, अगर हम यहीं पर 1 जनवरी की जगह 1 मार्च रख देते हैं, अगर दे लेते हैं 1 मार्च और यहां भी 1 मार्च, अब 1 मार्च, अब देखिए ये लीप वर्ष इससे सामान्य वर्ष में जा रहे हैं तो यहां दिन की वृद्धि नहीं होगी एक दिन की। जबकि अब देखिए इस 2008 की जो फरवरी आई है वो इन दोनों के बीच में आई है, जब इन दोनों के बीच में आई है तो सीधा सा मतलब यह है कि अब जो वृद्धि होगी यहां मंगलवार की जगह बुधवार नहीं होगा बल्कि यहां क्या होगा, बृहस्पतिवार अर्थात की गुरुवार होगा। क्योंकि ये जो लीप वर्ष वाली फरवरी आई है वो किसमें आई है, इन दोनों के बीच में आई है। तो इस प्रकार से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो किसी भी तारीख में यदि हम 7 जोड़ेंगे फिर से वही दिन मिलेगा या 7 घटाएंगे फिर से वही दिन मिलेगा। आइए देखते हैं, जैसे कि 5 जनवरी को रविवार है तो सीधी बात है अगला जो रविवार होगा वो 12 जनवरी को होगा, अगला रविवार 19 जनवरी, फिर अगला रविवार 26 जनवरी, अर्थात कि 7 दिनों की वृद्धि करेंगे फिर से उस दिन की पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम जैसे लगा लेते हैं कि किसी महीने का, जैसे हम जोड़ते हैं किसी महीने की 5 तारीख को, क्वेश्चन है किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो
उस महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहां पर देखिए 5 तारीख को क्या है भैया? रविवार है। 5 तारीख को रविवार है तो 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो हमने बताया कि यदि किसी भी तारीख में 7 जोड़ेंगे या घटाएंगे फिर से वही दिन मिलेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अगला रविवार क्या है 12 तारीख को होगा, फिर 19 तारीख को होगा, फिर 26 तारीख को क्या होगा, फिर से रविवार आएगा। अर्थात कि हम देखते हैं कि यहां पर क्या आया, रविवार आया। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि 26 तारीख को पूछा है और यहां 5 तारीख का दिया है तो 26 माइनस 5 करेंगे तो कितना आया 21। अब बात करते हैं इसी का 7 से अगर हम भाग दे देते हैं जितना शेष बचता है वही दिन होगा। अब देखिए यहां पर 0 शेष बच रहा है अर्थात कि फिर से वही दिन आ जाएगा। अगर यहीं पर अब देखते हैं अगला, जैसे किसी महीने की पहली तारीख को रविवार पड़ता है तो उस महीने की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब देख लेते हैं यहां पर 1 तारीख को क्या है भैया, रविवार है तो 26 तारीख को क्या होगा? तो यहां देखते हैं 26 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अर्थात कि इसे 7 से भाग दे देंगे तो 7 तारीख 21 4 दिन शेष हुए अर्थात कि रविवार में 4 दिन अगर जोड़ देंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका गुरुवार आ जाएगा। अर्थात कि अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 26 तारीख को क्या था, गुरुवार था। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, जैसे क्या किया हमने 26 तारीख को पूछा है, पहली तारीख को रविवार था तो हमने क्या किया 26 माइनस 1 कर दिया आया 25। अब 7 दिनों बाद दिनों की पुनरावृत्ति होती है, उसे 7 से भाग दे दिया शेष कितना बचा 4 अर्थात कि रविवार में 4 दिन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे भी हम दिन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए एक और देख लेते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन, यदि किसी महीने की 27 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 5 तारीख को कौन सा या 4 तारीख को कौन सा दिन होगा? दे लेते हैं 27 है तो इसके बाद इसमें 7 घटाएंगे 20 तारीख को क्या होगा, फिर से मंगलवार हो जाएगा। 13 तारीख को फिर से मंगलवार हो जाएगा। 6 तारीख को फिर से मंगलवार हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 5 तारीख को क्या हो जाएगा, मंगलवार के पहले क्या आता है, सोमवार। अर्थात कि 4 तारीख को क्या हो जाएगा, रवि। ये आ गया। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं कि कौन सा दिन आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर घटता हुआ क्रम दे रहा है तो वही कर सकते हैं 27 माइनस 4 तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 7 से विभाजित करेंगे अगर तो इसे क्या हो जाएगा, 2 शेष आएगा। अब मंगलवार में से 2 माइनस कर देंगे अर्थात 2 दिन कम कर देंगे, जो दिन आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं, जैसे कोई और तारीख लेते हैं तो उसमें उदाहरण देखते हैं। तो अगर जैसे पूछ लिया कि किसी भी महीने की 23 तारीख को गुरुवार पड़ता है तो उस महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहां देखते हैं तो 23 माइनस 2 कितना हुआ, 21 बटे 7 कट गया अर्थात 0 बचा। तो सीधी सी बात है 2 तारीख को भी क्या होगा, गुरुवार ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिन का अगर उसी महीने की बात करते हैं तो निकाल सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए और भी देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि 5 जनवरी 2007 को शनिवार था
तो आठ आठ मई को कौन सा दिन होगा, 2007 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है, तो इसके बाद कितने दिन शेष बचे, तो 26 दिन शेष बचे। फरवरी देखिए यहां पर कितने दिन का, 28, क्योंकि सामान्य वर्ष है, 28 हो गया। फरवरी बाद आता है मार्च, 31 हो गया, अप्रैल 30 हो गया। अब बात करते हैं मई में 8 दिन लेना है, अब इन सबको ऐड कर दिए, 8 6 14 1 15 15 8 23 2 2 4 2 6 6 6 12 123 आ गया, बटे 7 कर दीजिए, 7 एकम 7 5 शेष गया और यहां पर हो गया 53 और 749, अर्थात कि शेष कितना बचा, 4। शनिवार है, अब देखते हैं वहां शनिवार था, अब उसी में 4 दिन ऐड कर दीजिए और 4 दिन अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा सही उत्तर क्या होगा, बुधवार होगा। तो इस प्रकार से भी अगर उस महीने अगर उसी वर्ष में देता है तो हम ऐसे भी किसी भी दिन को निकाल सकते। तो इस प्रकार से हमारे चैनल को और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम इसके बाद इसके अगला जो अंक होगा वो हम आगे वाले वीडियो में आपको देंगे।